गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वंस अगेन वेलकम बैक इन योर ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर स्टार्ट न्यू टॉपिक। टॉपिक नेम इज जग्स एंड मग्स। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 11। ये आपका क्या है, चैप्टर 11 है जग्स एंड मग्स। ये आपके पास एक क्वांटिटी लिखी है, 1 लीटर इक्वल 1000 मिलीलीटर। इसका मतलब है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। लीटर को शॉर्ट में लिखते हैं एल से, और मिलीलीटर को शॉर्ट में लिखते हैं एम एल से। जैसे आपको पता है, जब हम क्या है मार्केट से दूध खरीदते हैं तो किसमें होता है, लीटर में। अगर हम 1 लीटर दूध लेंगे तो उसमें कितने मिलीलीटर होंगे, 1000। अगर हम आधा लीटर मिल्क लेंगे तो उसमें कितना होगा, 1000 का हाफ कितना होता है, 500 मिलीलीटर। इसका क्वेश्चन 1 है, लुक एट द क्वांटिटीज एंड मेक देम इक्वल ऑन द बोथ साइड। बोथ साइड मैंने ये दो साइड आपके पास दे रखा है, इक्वल लगा रखा है, लेफ्ट साइड ये क्या है राइट साइड। इसको आपने क्या करना है, इक्वल करना है। लुक एट द क्वांटिटीज, इन क्वांटिटीज को आपने देखना है, फिर इसको क्या करना है, इक्वल बनाना है। इक्वल मीन बराबर करना है। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 1 लीटर, ये 1 लीटर है, 1 लीटर है, 1 लीटर है, 1 लीटर है। लेफ्ट साइड क्या है, 1 लीटर लिखा है, तो 1 लीटर में आपको पता है कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। अब राइट हैंड साइड देखिए, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ये भी मिलीलीटर है, ये भी मिलीलीटर है। इसको आपने क्या करना है, फिलअप करना है। जैसे 1 लीटर में तो आपको पता है 1000 मिलीलीटर होता है, अब 1000 मिलीलीटर में आपके पास कितना है, 450 मिलीलीटर है, और यहाँ पे कितना ऐड करोगे कि क्या हो जाएगा, 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। तो आपको पता है, सिंपल है, 1000 से आप क्या सबट्रैक्ट करोगे, 450 सबट्रैक्ट करोगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा। देखिए 0 से 0, 10 से 5 ले तो 5 से सॉरी 9 से फिर 4 गए तो कितना बचा, 5। तो यहाँ पे कितना आएगा, 550 मिलीलीटर। अब देखिए 450 + 550 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, वो 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर में किसके इक्वल हो गया, 1 लीटर के इक्वल हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन 2 है, 1 लीटर इक्वल ये आपके पास दे रखा 500 मिलीलीटर + 250 मिलीलीटर + 10 मिलीलीटर। तो देखिए आपको पता 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। तो आपके पास कितने दे रखे हैं, 500 + 250। इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 750 मिलीलीटर। तो आपके पास दे रखा है 750 मिलीलीटर दे रखा है। अब यहाँ पे कितने मिलीलीटर हो रहा है कि वो 1 लीटर कंप्लीटर हो जाएगा। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। तो 1000 से सबट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, देखिए 0, 5, 9 से तो कितना आ रहा, 250 मिलीलीटर। देखिए 250 + 200 कितना हो गया, 500 + 500 1000। 1000 मिलीलीटर हो रहा, तो 1000 मिलीलीटर किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर आ गया। इसके आपका है क्वेश्चन सी, 1 लीटर में अगर इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 मिलीलीटर आएगा। अब देखिए 300 मिलीलीटर + 10 मिलीलीटर + 200 मिलीलीटर। तो क्या क्या दे रखा आपके पास, 300 और 200, तो कितना हो गया, 500 मिलीलीटर हो गया। लेकिन आपको किसके इक्वल बनाना है, 1000 से। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, तो 1000 से इसको सबट्रैक्ट करोगे, सबट्रैक्ट तो 0, 0, 5, तो कितना आएगा यहाँ पे, 500 मिलीलीटर। अब ऐड करिए 300 + 500 800 + 2 1000 मिलीलीटर हो गया। 1000 मिलीलीटर में कितना हो गया,
वन लेटर। इसका आफ्टर क्वेश्चन नंबर इसका है बी, वन लीटर में इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 मिलीलीटर। अब आपने इसको इक्वल बनाना है 1000 मिलीलीटर के, तो 850 मिलीलीटर प्लस 10 मिलीलीटर, तो क्या करोगे 1000 से आप क्या सेपरेट करोगे 850, इसको सेपरेट करें 0 5, तो यहाँ पे कितना आएगा 150, तो यहाँ पे क्या आएगा 150 मिलीलीटर। अब हो गए ना दोनों इक्वल, 1 लीटर में 1000 देखिए और 850 प्लस 150 कितना हो गया 1000 मिलीलीटर, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 150 मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर ई है 1 लीटर, 1 लीटर में ये आपने मिलीलीटर में चेंज करना, तो ये आ जाएगा 1000 मिलीलीटर। अब 600 आपके पास ऑलरेडी है, तो 1000 से अगर आप क्या है 600 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 0, 10 से 6 के तो 4, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 400 मिलीलीटर। देखिए 400 प्लस 600 कितना होता है 1000 मिलीलीटर, अगर इसको लीटर में चेंज करो तो क्या आएगा 1 लीटर, यहाँ भी क्या आपका 1 लीटर, तो ये आपका क्या हो गया फिर बोथ साइड क्या हो गया इक्वल हो गया। डियर स्टूडेंट आई होप कि ये आपको जो एक्सरसाइज है किस प्रकार की बोथ साइड को क्या करना है इक्वल करना है ये आपके समझ में आया होगा, और होमवर्क में आपने बेटे जो आपके वर्कबुक है उसी पे ये एक्सरसाइज क्या करना है फिलअप करना है। थैंक यू क्लासेस।